हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है रक्षाबंधन आने वाला है। रक्षाबंधन पे इस तरह के यदि व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो आप बनाते हैं और इस स्टेटस वीडियो को किसी भी सोशल मीडिया पे यानी कि इंस्टाग्राम रील्स, रोपोसो ऐप पे अपलोड करते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो इस तरह के स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 से 3 ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होंगे, काइन मास्टर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का भी लिंक दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और वहाँ पर आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँगा आप इस तरह के प्रोफेशनल स्टेटस वीडियो किस प्रकार बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फाइनली गाइस आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। इसके बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन का लिंक दे चुका हूँ, बिल्कुल आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है, प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, 9x16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है और यहाँ पे आपको अपने फोटो को 4 से 5 फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो फटाफट मैं यहाँ पे 5 फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अपने हिसाब से यहाँ पे 5-6 फोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस फोटो क्लियर पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे इस फोटो को आपको 1.0 के आसपास कुछ इस तरह से रहने देना है। तो मैं इस तरह से अभी हल्का छोटा कर देता हूँ। सिंपल फोटो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं फोटो को मैं इस तरह से हल्का छोटा कर दिया हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं फोटो यहाँ पे हल्का छोटा बड़ा हो रहा है, जूम हो रहा है। यदि आप इसे रोकना चाह रहे थे, सिंपल वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, क्रॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इक्वल कर सकते हैं। तो फोटो जो आपको हिल रहा था अब हिलेगा नहीं, ठीक है। तो कुछ अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। फोटो क्लिप पर क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आना है और इसे आपको कुछ इस तरह से इनेबल कर देना है। तो सारे फोटो में आपको कुछ इस तरह से इनेबल कर देना है, जो देखने में काफ़ी बेहतरीन लगेंगे। तो फटाफट मैं इनेबल कर देता हूँ। तो मैंने सारे फोटो को इनेबल कर दिया हूँ। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, सॉरी लेयर पे आना है, इफेक्ट पे आना है, बेसिक इफेक्ट पे आना है और इस वाले इफेक्ट को ऐड कर देना है और कुछ इस तरह से इसे आपको जूम कर लेना है। इसके बाद इस इफेक्ट को आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। इसके बाद आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। ग्रीन स्क्रीन वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्रोमा की को रिमूव करना है, सिंपल आपको इनेबल कर देना है। कलर के पर आकर आपको यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है। अब देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है, आईडो फेड आउट ऑफ करना है, शेयर पर क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमें वेट कर लेना है, देखते हैं हम कितना टाइम लगता है एक्सपोर्ट होने में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो इसे आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करेंगे, 9x16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। इस बैकग्राउंड को आपको वीडियो के हिसाब से सेट कर लेना है। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे, लेंथ पे आएंगे, मीडिया पे आएंगे और जो वीडियो आपने एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट करना है। स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। तो अपने हिसाब से जितने सेकेंड का वीडियो बनाना है उतने फोटो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी कि ऐड करना होगा। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और जी आप जो यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू स्क्रीन है, इसे आपको रिमूव करना है। क्रोमा की को आपको इनेबल करना है, कलर की पे आना है और यहाँ पे आपको ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्लैक कलर हो चुका है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो फटाफट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, सेंड टू बैक करता हूँ। इसे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको एडजस्ट कर देना है और इस फोटो को आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी फोटो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो 1x1 करके मैं फोटो को सेलेक्ट करता हूँ और इसे कुछ इस तरह से जूम करना है और यहाँ पे आपको एडजस्ट कर देना है। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है। अब इसके बाद राइट क्लिक करेंगे। अब जब वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद फर्स्ट फोटो जैसे सेलेक्ट खत्म हो रहा है तो यहाँ पे आपको सेकेंड फोटो को ऐड करना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं सेकेंड फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद कुछ इस तरह से जूम करना है और यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक कर देना है। आपको फोटो को क्लिक करने के बाद सेंटर में बिल्कुल आपको एडजस्ट कर लेना है। सिंपल क्लिक करता हूँ और इसे आपको कुछ इस तरह से जूम करने के बाद हल्का जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको एडजस्ट कर लेना है। तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, जैसे कि इस फोटो में देख सकते हो ओपेसिटी कुछ ज़्यादा दिख रहा है तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से कम भी कर सकते हो ओपेसिटी को, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। फिर से वीडियो कलर पे क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आना है, ब्लेंडिंग पे आना है और यहाँ पे आपको स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। फाइनली हमारा वीडियो एडिट हो चुका है। यहाँ पे आपको साउंड ऐड करना है, तो इस वीडियो में ऑलरेडी साउंड ऐड है। यदि कोई एक्स्ट्रा साउंड ऐड करना है तो सबसे पहले इस वीडियो में जितने भी वीडियो है इस वीडियो का साउंड को आपको म्यूट कर देना है वन बाई वन कर। इसके बाद आइडियो पे आना है, जो भी साउंड ऐड करना है यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। या फिर कोई वीडियो में से आइडियो ऐड करना है तो सिंपल लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और इस वीडियो को अगेन सेलेक्ट करना है। मैं एग्जांपल के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, स्ट्राइक आइडो करना है, वीडियो पे क्लिक करेंगे, डिलीट कर देने और यहाँ पे देख सकते हैं आइडो यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसके बाद एक्स्ट्रा आइडो को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और फाइनली आपका वीडियो तैयार हो चुका है और इस वीडियो को किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल में इंडिया में रोपोसो एप्लीकेशन और इंस्टाग्राम रील्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं और आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आने के चांसेस है।